नमस्कार दोस्तों, अलकाश किचन कॉर्नर में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका। आज हम बनाएंगे मैदे की बर्फी, जो बहुत ही आसानी से बन जाती है और झटपट बनके तैयार हो जाती है और खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट है। तो फिर चलिए देर किस बात की, इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरी मैदे का यूज़ किया है। इसके साथ ही मैंने आधी कटोरी शक्कर का यूज़ किया है। शक्कर आप अपने स्वाद अनुसार अधिक या कम ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो शक्कर आप थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आधा कटोरी मैंने शुद्ध घी लिया है और 2 बड़े चम्मच मैंने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब मैंने कढ़ाई को गर्म होने को रखा है। जब वो अच्छा गर्म हो गया तो उसमें मैंने घी डाल दिया है। घी अच्छा गर्म हो गया है। अब इसमें मैं मैदे को डालूंगी और धीमी आंच पे इसे 5-7 मिनट तक भूनूंगी। मैदे को धीमी आंच पे भूनना है, गैस की फ्लेम को तेज नहीं कर देना है, नहीं तो आपका सारा मैदा रेड कलर का हो जाएगा और ये बर्फी की जगह हलवा बन जाएगा। मैदे को भूनते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से जलने लगेगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। देखिए, ये भूनते भूनते अपना कलर धीरे धीरे बदल रहा है। अब ये हल्का हल्का क्रीम कलर का होते जा रहा है। इधर हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। मैंने पैन में शक्कर को डाल दिया और जिस कटोरी से मैंने शक्कर डाला था उसी कटोरी से आधी कटोरी मैंने इसमें पानी डाल दिया। जितनी शक्कर थी उसकी आधी पानी मैंने इसमें यूज़ किया है। अब हम दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मैंने इसको चलाना बंद नहीं किया है, इसे थोड़ी देर मैं चलाऊंगी क्योंकि अभी मेरी कढ़ाई गर्म है, जिससे हमारे मैदे का कलर चेंज होने का डर है। ये देखिए, मैं इसे चलाती ही जा रही हूँ जिससे ये नीचे रेड कलर का ना होने पाए। शक्कर और पानी एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें धीरे धीरे उबाल आना शुरू हो गया है और शक्कर गलनी शुरू हो गई है। ये देखिए, चाशनी में उबाल आना शुरू हो गया है। अब इस समय हम गैस की आंच थोड़ी सी धीमी कर देंगे और इसे पकने देंगे। इसको पकने में 5 मिनट का वक्त लगेगा और इसे हमें एक तार की चाशनी बना के तैयार करना है। ये देखिए, इसे पकते हुए 5 मिनट का वक्त हो गया है और हमारी चाशनी करीब करीब बन के तैयार हो गई है। एक तार की चाशनी हमारी बन के तैयार है। ये देखिए, इसमें तार बन रहा है। ये देखिए, अब हम गैस को बंद कर देंगे। इधर हम मैदे को भी देख लेते हैं। मैदा हमारा करीब करीब भून चुका है। अब इसे हम चलाते रहेंगे जिससे ये नीचे जले नहीं। देखिए, इसे भूनते भूनते 5 मिनट का वक्त लग गया है और ये मैदा एकदम पतला हो गया है और तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसी समय हम इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर देंगे। देखिए, मैंने मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है और इसे अब हम चला देंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप मावा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा हो तो आप मिल्क पाउडर या मावा दोनों को स्किप कर सकते हैं। बिना मावा के भी आप ये बर्फी बना सकते हैं। देखिए, मिल्क पाउडर मैदे में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसी समय मैं इसमें चाशनी डाल दूंगी और जल्दी जल्दी इसे चला दूंगी। ये देखिए, मैंने इसमें चाशनी डाल दी है। अब हमें इसे जल्दी जल्दी चलाना है, हाथ को रोकना नहीं है, नहीं तो ये सूखना शुरू हो जाएगा और बर्फी जमाने में मुश्किल होगी। ये देखिए, इसे मैं अब कंटिन्यू चला के एक दूसरे में अच्छे से मिक्स कर दूंगी जिससे इसमें गांठे ना पड़े। मैदा और शक्कर एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो गई है। ये देखिए, एकदम खोए की मिठाई लग रही है ना, देखने में एकदम क्रीमी क्रीमी। अब देखिए, हमारी मैदे की बर्फी जमने के लिए तैयार है। मैदा ने कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया है और कढ़ाई एकदम साफ और चिकनी होती जा रही है। इसका मतलब कि हमारी मिठाई बनके तैयार है। अब इसे हम जमा सकते हैं। अब इस समय हम गैस की आंच को बंद कर देंगे और एक घी लगी थाली में इसे जमा देंगे। मैंने थाली में घी लगा के तैयार कर लिया है, इसी में मैं बर्फी को जमाऊंगी। मैंने घी लगी थाली में सारे मिश्रण को डाल दिया है और कलछी की सहायता से एक बराबर चारों तरफ फैला दिया जिससे बर्फी आसानी से जम सके। और जमाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि गर्म में ही इसे जल्दी जल्दी प्रेस करके चारों तरफ फैला देना है, नहीं तो ये सूखनी शुरू हो जाती है, फिर ये बर्फी कट करने में बहुत ही मुश्किल होगी। मैंने सारे मिश्रण को थाली में एक बराबर फैला दिया है। अब इसी समय मैं अपनी इच्छा अनुसार इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर दूंगी। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने सारे ड्राई फ्रूट इसमें डाल दिए हैं। मैंने काजू बादाम और कुछ पिस्ते का इस्तेमाल किया है। चिरौंजी भी मैंने इसमें डाली है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसे डाल सकते हैं। केसर से भी आप इसे सजा सकते हैं। मेरे पास केसर नहीं था इसलिए मैंने इसका यूज़ नहीं किया है। बर्फी का मिश्रण जब थोड़ा गर्म रहेगा उसी समय हम इसे काट लेंगे। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो कट नहीं पाएगा और बर्फी टूट टूट के अलग अलग बिखर जाएगी, इसलिए मैंने थोड़ा गर्म रहने पे ही इसे काट लिया है। आप भी जब गर्म रहे उसी समय इसे काट लें।
ये देखिए हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। अब इसे हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। लीजिए हमारी मैदे की स्वादिष्ट बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। ये देखने में खोए की बर्फ़ी से कम नहीं लग रही है और खाने में भी ये खोए की बर्फ़ी की तरह स्वाद देगा। आप इसे बनाइए, खाइए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि ये कैसी बनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।